बसपा सुप्रीमो मायावती को पिछले दिनों मथुरा से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने एक टीवी डिबेट में भ्रष्ट मुख्यमंत्री बोला था। इसको लेकर मायावती ने खुद कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। समर्थन में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आ गए थे, लेकिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो बसपा सुप्रीमो मायावती को भ्रष्ट बताने वाले भाजपा विधायक को जूतों से मारने का बयान देकर मामले को फिर गर्मा दिया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद होने वाले उपचुनाव को लेकर कानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मायावती को अपशब्द बोलने वाले बीजेपी विधायक को जूतों से मारना चाहिए। मायावती के खिलाफ यदि कोई बोलेगा तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। उन्होंने जेल में बंद कानपुर की सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। सीसामऊ में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, यह सीट जीतना कोई चुनौती नहीं है। और आपके माध्यम से, क्योंकि आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल जी की जयंती भी है, उन्हीं की जयंती के अवसर पर मामना रामसूर वर्मा जी के, इन दोनों ही महान पुरुषों के जयंती और उनके अवसर पे जो है एक कार्यक्रम हम लोगों ने सामाजिक न्याय सम्मेलन हमने रखा है बांदा में, उसमें मैं शामिल होऊंगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसमें जिस तरह से अखबार पढ़ने पे तमाम महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार खबरें आ रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो गरीबों, कमजोरों, किसानों की दमन की राजनीति चल रही है, ये उसका सच है। आपने फैसला पढ़ा नहीं, हमने फैसला पढ़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों की एकजुटता बनी रहे और उस एकजुटता के लिए अब हमने प्रयास किया है कि बहुत जल्द हम शेड्यूल कास्ट की सभी जाति के लोगों के प्रतिनिधित्व को बिठा के उनसे वार्ता करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझें और इस फैसले को भी समझें, और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम ही लोग निकालें, क्योंकि सरकार की मंशा पे और कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों के लिए नहीं दिया, उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया। उनके सारे फैसले आरक्षण पे हमले के जैसे होते हैं। हम इसलिए उनसे, उनके फैसले, उनकी मंशा पे, उनकी नीयत पे शक कर रहे हैं। रही बात, अब उपचुनाव है, मेरा प्रयास रहेगा इरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया है, जिस तरह से उनको सताया गया है, ये किससे छिपा हुआ नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग उनकी आवाज़ को भी उठाने का काम करें। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के, कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए, वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे, और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी, हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। कोई चुनौती नहीं, आजाद समाज पार्टी के लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता उनके साथ खड़ी है, इस पर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का स्टेट का जो ऑर्डर होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।